नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर 24 न्यूज। मैं हूं आपसा शिखा। ये रुक करते हैं आज की खबरों से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भोपाल से हरी झंडी दिखाकर 5 वंदे भारत ट्रेनों का शुभारंभ किया गया, जिसमें रानी कमलापति से जबलपुर के लिए रवाना हुई वंदे भारत रेल प्रशासन सहित जनप्रतिनिधि बेसब्री से इंतजार करते दिखे। वंदे भारत से जबलपुर पहुंचने पर जबलपुर वासियों सहित बच्चों में भारी उत्साह देखा गया, जिसमें क्षेत्रीय सांसद राकेश सिंह और भाजपा विधायक भी उपस्थित रहे, जिन्होंने हर्षोल्लास से वंदे भारत ट्रेन का स्वागत किया और भोपाल से आए हुए यात्रियों का पुष्प गुच्छा देकर स्वागत किया गया। वहीं पश्चिमी रेल के कर्मचारी अधिकारियों द्वारा व्यवस्था की गई थी। वहीं इस अवसर पर बच्चों ने जबलपुर के लिए स्पेशल ट्रेन प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। अखिलेश सोनी की रिपोर्ट। जबलपुर के लिए आज ऐतिहासिक दिन है। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बड़ी सौगात जबलपुर को दी है। प्रारंभ से मेरा मानना रहा है कि रेलवे का विकास जबलपुर के विकास के साथ कदम ताल करे। 20 वर्षों पहले कांग्रेस की सरकार के समय पर यह संघर्ष हमने प्रारंभ किया था, लेकिन अब समय बदल चुका है। अब समय संघर्षों का नहीं, जबलपुर के लिए सौगातों का है। और आज हमें खुशी है कि जबलपुर से भोपाल और भोपाल से इंदौर चलने वाली ये ट्रेन केवल एक ट्रेन और सुविधा भर नहीं है, बल्कि रेलवे की आधुनिक तकनीक में जबलपुर की महत्वपूर्ण हिस्सेदारी है। और इस हिस्सेदारी के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के प्रति संसदीय क्षेत्र की जनता की ओर से मैं आभार प्रकट करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं और जबलपुर की जनता को इस बड़ी सौगात के लिए बधाई देता हूं और ये विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले समय में सौगातों का यह क्रम जारी रहेगा। यह जबलपुर का रेलवे स्टेशन, जो अभी लोग ये मानते हैं कि ये बहुत सुंदर स्टेशन बना हुआ है, लेकिन आने वाले समय में ये 300 करोड़ रुपए की लागत से एक आधुनिक रेलवे स्टेशन के रूप में डेवलप होगा। शीघ्र ही मदन महल का स्टेशन भी 140 करोड़ की लागत से उसका काम भी पूरा हो जाएगा और इस तरह से जबलपुर विश्व स्तरीय स्टेशन के रूप में सामने आएगा। भारत ट्रेन के माध्यम से